आ जाओ ऐसा ही आ जाओ चलेगा। हाय आई एम गुड हाउ आर यू। सो गाइस मैं फिर वो पाजी के साथ और उनके साथ डांस नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी का देखो देखो मैसेज आया। देखो आप सुन रहे हो ना, ज्यादा लगा नहीं ना मम्मी जी को? ज्यादा लगा नहीं ना मम्मी जी को? तो फिसल गई मम्मी, तो मम्मी रो रही थी। तो फिर मैं तुरंत भाग गई, मैं और विकास भाई चले गए घर पे और जाके देखा तो मम्मी बेहोश थी। अरे बाप रे बाप। तो फिर प्रेयर वेयर किया और डॉक्टर बुलाया मम्मी, वो मम्मी रेडिएशन ले रही है ना, वेट कम हो रहा है और दिन में कम से कम इतने लूज मोशन हो रहे हैं, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता, मम्मी चल भी नहीं सकती। अरे बाप रे बाप। अभी कैसे? मैं जैसे भी टाइम निकाल के शादी में गई थी यू नो, इसलिए मैं 7:30 बजे घर पहुंच जाती हूँ। आपका डांस भी देखा? हाँ राखी जी क्या, लेकिन मैं वो प्रॉपर परफॉर्मेंस जो बोलते हैं वो नहीं कर पाई। चलो ठीक है, हमारी दुआएं हैं। राखी जी आप पहुंचे तो आपका गाना बजा था ड्रीम में एंट्री राहुल। हाँ, सब लोग तो सब बोल रहे थे आज हम ड्रीम में एंट्री डांस करेंगे, सब बोल रहे थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा टाइम एक डेढ़ घंटा रही, दो घंटे वो सब डांस करना था क्योंकि सबका परफॉर्मेंस चल रहा था ना, राहुल का, दिशा का, सबका परफॉर्मेंस चल रहा था, हमारे परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा टाइम था। और जैसे दिलेर पाजी का परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ मेरी माँ का मैसेज आया, मैं चली। आधी रात को मिक्का पाजी की गाड़ी भी बंद हो गई थी, देखे हाँ पता नहीं खराब हो गई थी, बोलते चालू नहीं हो रही गाड़ी, चालू 300 पब्लिक ने धक्का मार दी। 300 पब्लिक ने धक्का मारा आधी रात में, फैंस लोग थे डाले थे इंस्टा पे। चलो अच्छा अब नई कार ले लेंगे। अच्छा चलो ओके बाय, मेरा टाइम हो गया है, बाय बाय। अभी नया वीडियो आने वाला है ना, क्या शूट कर रही हूं मैं दिन में, फिरोज के साथ कर रही हूं, फिरोज कोरियोग्राफर आता है ना जिम में, मैं 23 तारीख को कर रही हूं, 22-23। साथ में कौन है आपके? अभी देखो इजाज से बात चल रही है, पारस से बात चल रही है, अब फिरोज बात कर रहा है, किस किस से बात कर रहा है पता नहीं, बिकॉज ऐसा गाना कभी आया नहीं है, पूरा लॉकडाउन पे मतलब वाट लगाने वाला ऐसा गाना है, आग लगाने वाला है, आग लगाने वाला गाना है, फिरोज के साथ कर रही हूँ। तो अभी देखता, अभी मैं स्लिम होने जा रही हूँ, मतलब मैं इतना स्लिम होती हूँ लेकिन मोटी क्यों दिखती हूँ मुझे नहीं पता, खाना कम खाती हूँ, कपड़े कपड़े डाइटिंग करती हूँ, मोटी क्यों दिखती हूँ मुझे नहीं पता। ओके राखी जी, ख्याल रखना मम्मी जी का। हाँ चलो बाय 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 बाय। గంట మీద ఒత్తాలి.